बहन जी, बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की श्राद्ध के बारे में, और मुझे लगता है कि अभी तक ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा श्राद्ध पर। कम से कम हमने 5 एपिसोड अभी तक किए हैं, 2 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं और एक और एपिसोड निकालेंगे श्राद्ध पर। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे विश्व के लिए, कम से कम उन हिंदुओं के लिए, उन सनातन धर्मियों के लिए जो श्राद्ध को मानते हैं जी, जो पितरों को मानते हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं जी, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मृत्यु के बाद एक फोटो या एक तस्वीर के सामने में अगरबत्ती जलाना, एक मृत आत्मा को दान देना, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, दिया जलाना या उनको याद करना, क्या ये इम्पॉर्टेंट है? कि ये इम्पॉर्टेंट है कि जब वो आत्मा आपके सामने में थी उस वक्त उनको तृप्त करना, उनको मान सम्मान देना, उनको प्यार करना, ये ज़रूरी है? दोनों में से क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? देखिए, दोनों चीज़ों की अपनी महत्ता है जी, क्योंकि दोनों चीज़ें अनकम्पेयरेबल हैं, दोनों को आपस में हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब सम्मान और रिगार्ड की बात आती है तो जीवन रहते भी हमें सम्मान देना है और जीवन के उपरांत भी हमें रिगार्ड, हमें सम्मान ज़रूर देना है, हर व्यक्ति को देना है, हर एक जीव जंतु को देना है, क्योंकि इस संसार के अंदर प्रकृति भी हमें बहुत कुछ देती है, तो हमें प्रकृति को भी सम्मान देना है। इस संसार में व्यक्ति को अपने भी हर कर्म को एडमायर करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, स्वयं को भी स्वमान और सम्मान देना है। तो सम्मान तो हर एक इंसान की एक बहुत ही व्यक्तिगत आवश्यकता है आज की दुनिया में। हर व्यक्ति रिगार्ड चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे एक बहुत सुंदर व्यवहारिक तौर पर मेरे साथ सभी लोग पेश आए, सबके साथ अच्छा व्यवहार हो, सब मेरे साथ अच्छी तरह सुख शांतिपूर्वक रहें, ये हर एक को अच्छा लगता है। तो जब वो व्यक्ति हमारे बीच रहता है, कई बार ऐसा होता है कि हम उस व्यक्ति की वैल्यू को इतना नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो रोज़ रहता है और जो चीज़ रोज़ रहती है तो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। एज ए रिज़ल्ट हम उस चीज़ को कई बार अवॉइड करते हैं, या कई बार उसकी अच्छाई को नकार करके उसकी बस बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं। कई बार टारगेट ये नहीं होता कि हम उसकी बुराइयाँ देखें, परंतु उसके अंदर से वो बुराइयाँ हट जाएँ इसके लिए भी, और शायद हमारा उसके प्रति कोई अटैचमेंट है, कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके कारण भी हम उसकी उन गलतियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसे क्रिटिक्स के नज़रिए से ज़्यादा देखते हैं, उसको एडमायर कम करते हैं। बहुत ज़रूरी है अपने संबंधों के महत्ता को समझना। जो भी लोग हमारे आसपास हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो आज हैं हमारे बीच में, हर एक के प्रति अपने नज़रियों को बदलना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें आज है, हो सकता है कल ना हो। जो चीज़ें नई हैं उनके प्रति तो मैं बहुत अच्छा दृष्टिकोण रख रही हूँ और उनके पीछे भाग रही हूँ, उनको प्राप्त करने की इच्छा आकांक्षा रख रही हूँ, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे भगवान ने दी हैं, जो मेरे साथ हैं, उन सब चीज़ों को भी उतना ही रिस्पेक्टफुल नज़र से देखना, उनको एडमायर करना, उनके साथ उनकी वैल्यू को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि दिन प्रतिदिन हम देखते हैं इंसान भूलता जा रहा है। जब हमारे साथ बच्चे होते हैं तो हम उन चीज़ों को, उनकी बातों को अवॉइड करते हैं, या उनको कहते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो। जब वो नहीं होते हैं या कभी बहुत दूर चले जाएं तो हम उन्हें मिस करते हैं। क्यों ना जो चीज़ें हमें भगवान ने दी हैं इस संसार के अंदर, हम उन चीज़ों की प्रशंसा करना शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें, यदि हमसे गलतियाँ हो गई हैं आज तक और जिसके परिणाम स्वरूप हमें लगता है कि हमने अपने पितरों को या जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है उनकी उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, उनकी इच्छाओं पर हम खरे नहीं उतर पाए, उनको जो चाहिए था वो हम उन्हें नहीं दे पाए, तो उनको तृप्त करना हमारा बहुत बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है
और हम उसे किसी भी तरीके से, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी उन शुद्ध भावनाओं को इमर्ज करके हम यदि कोई भी कर्म करते हैं, कर्म नहीं भी करते हैं, नहीं कर पाते भी हैं, कहीं ऐसी आपत्ति हो जाती है, कभी विपत्ति आ जाती है, किसी की जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाता कर्मकांड, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो वो कम से कम अपने मन की भावनाएं तो उस आत्मा तक पहुंचा ही सकता है कि मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ उन सब कर्तव्यों के लिए, मैं दिल से ये समझता हूँ कि मैंने अपने साथ गलत किया है, आप आज जहाँ भी हैं जैसे भी हैं मैं चाहता हूँ कि आप सदा सुखी रहें, और अपने मन को बिल्कुल शांत करके ये समझे कि परमात्मा उनको शांति की वाइब्रेशंस दे रहे हैं। यदि हम अपने अंदर जीते जी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उसके बाद मरने के उपरांत भी यदि हम उनके प्रति श्रद्धा भावना उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, इमर्ज करते हैं अपने मन में, तो वो उन आत्माओं तक ज़रूर पहुंचती है। बहुत ज़रूरी है आत्मा देह में है या नहीं है, इस देह में है या उस देह में है, अपनी है या पराई है, नज़दीक है या दूर है। मेरा काम है स्वयं को रिगार्ड देना और सर्व को रिगार्ड देना। रिगार्ड देते हैं तो परमात्मा से हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये जो रिगार्ड्स हैं जीवन के अंदर, ये हमें जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इनसे हमें उन आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलती हैं, ईश्वर से वरदान मिलते हैं। ये जो पुण्य है, जब हम किसी को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम जब उसकी मदद करते हैं, जब इंसान बुज़ुर्ग हो जाता है स्पेशली, तो उसको मदद की बहुत ज़रूरत होती है, फिज़िकली भी और साइकोलॉजिकल भी। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम जब बुज़ुर्ग हो जाते व्यक्ति, तो कई बार उनकी बातों को अवॉइड करते हैं, उन चीज़ों को, उनके कामों को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं, और यही वो टाइम होता है जब उस आत्मा को हमारी बहुत बहुत ज़रूरत होती है, और इसी को ही वास्तविक पुण्य कहा जाता है। पुण्य की डेफिनेशन ही यही है कि जब जिसको जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत हो, तब यदि हम वो चीज़ उसको देते हैं तो वो हमारा पुण्य बनता है। यदि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हम दे रहे हैं, वो हमारा पुण्य नहीं है। उस व्यक्ति को जब बहुत ज़रूरत हो और तब आप वो चीज़ उसको दे दें, तब उसके मन से जो दुआएं निकलती हैं वो आपके पुण्य के अकाउंट, पुण्य का खाता बढ़ाते हैं, और ये खाता आपको तब काम आता है, जैसे हम कोई FD कर लेते हैं, तो ये FD आपकी तब काम आती है जब आपको अपने जीवन में बहुत ज़रूरत होती है। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति कहता है कि पता नहीं क्या होगा, और अचानक से कोई बहुत ही अलग सा व्यक्ति आ जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और उसकी मदद हो जाती है, और वो सोचता है कि पता नहीं ये कैसे हो गया, भगवान ने मुझ पर कैसे कृपा कर दी, अचानक से उसका कोई पहले का किया हुआ पुण्य जो है उसके सामने आ जाता है, जो उसको उसकी विपत्ति के सामने मदद करता है। तो ये पुण्य का खाता है, ये हमारा तब काम आता है, जिसे हमें अपने जीवन काल के अंदर बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि विपरीत परिस्थितियों में हमें हमेशा उस ईश्वर की और उन आत्माओं की दुआएं, उनके द्वारा दिए गए वरदान, उनके द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स हमारे काम आए। बहन जी, यहाँ पर एक आम हमने सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है कि जीते जी उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उनको दुखी किया जी। लेकिन जब वो उनकी जब मृत्यु हुई, अब वो जाकर भंडारे कर रहे हैं, वो अब जाकर बहुत सारे जो शोक सभाएं कर रहे हैं और भजन कीर्तन की सभाएं लगा रहे हैं, उनके नाम से मंदिर बना रहे हैं, धर्मशालाएं बना रहे हैं और पेयजल बना रहे हैं, तो क्या यहाँ पर क्या सही है, क्या ये ठीक कर रहा है व्यक्ति कि गलत कर रहा है? देखिए, जो भी काम इंसान करता है वो अगर उससे किसी का भला होता है तो वो अच्छा ही होता है, लेकिन यदि जीते जी हम किसी का सम्मान नहीं करते हैं, तो वो आत्मा जीते जी जो अंदर से दुखी होती है, उस दुख के जो भावनाएं हैं, वो जो दुख के वाइब्रेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में दुखी करते रहते हैं, जिसके कारण इंसान सब कुछ करते हुए भी सुख की अनुभूति नहीं कर पाता, क्योंकि बड़ों का जो आशीर्वाद है, जो बड़ों की दुआएं हैं, वो हमारे साथ नहीं होती हैं, क्योंकि हम उनको सुख नहीं पहुंचा पाए हैं, उनको वो चीज़ दे नहीं पाए हैं जिसके वो हकदार हैं और जो हमारा फ़र्ज़ कहता है, हमने उनसे लिया परंतु उनको दे नहीं पाए हैं।
यदि मरणोपरांत हम उनके लिए कुछ करते हैं, उनके नाम पर कुछ करते हैं, यदि हम स्थूल रूप में ही कर रहे हैं, तो हो सकता है जिसको हम दे रहे हैं वो दुआएं दे रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन उस आत्मा जिसके प्रति हम कर रहे हैं, यदि उसके प्रति मेरे मन में वो भावनाएं नहीं हैं, तो फिर वो भावनाएं उस तक नहीं पहुंचती और हमारा वो जो दोष है वो सदा रहता है, और वो जो दुख दर्द और जो वो उनसे अप्राप्ति की अनुभूति है वो आपको सदा ही जीवन काल तक आपके मन को खाती ही रहती है। जब तक आपका मन अशांत रहता है उनके बारे में सोच सोच कर, जब तक आपके मन के अंदर असंतुष्टता बरकरार रहती है, तृप्ति नहीं होती आत्मा के अंदर, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं उन आत्माओं से ब्लेसिंग्स मेरे साथ नहीं है। इसी को ही कई बार लोग कहते हैं पितृ दोष है आपका जी। क्यों पितृ दोष है? क्योंकि हमने अपनी पैतृक जो लोग हैं, जो भाई बहने जो हमारे साथ रह कर गए हैं, हमारे जो सगे संबंधी हमारे साथ रह के गए हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाए जब वो हमारे साथ थे, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे आगे की प्रोग्रेस में बार बार हिंड्रेंस पैदा कर रही है। और उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, उस नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम पॉजिटिव कर्म कांड करते हैं, सोचते हैं शायद वो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो पूरा तब होगा जब उसी आत्मा के प्रति किया जाएगा। यानी अगर नेगेटिव एनर्जी जिस एंगल से आ रही है, जहाँ से आ रही है, जब तक उसी डायरेक्शन के अंदर और उसी आत्मा को हम संतुष्ट नहीं करते, उस आत्मा को हम क्षमा नहीं करते, उस आत्मा के प्रति अपनी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं नहीं भेजते, तब तक वो जो फ्लो है नेगेटिव एनर्जी का वो रुकता नहीं है। इसीलिए हमारे आसपास जो भी हैं, जिनके साथ भी हम जीते जी हैं और जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, यदि हमने उनके साथ कुछ गलत किया है या कर रहे हैं, तो जीते जी या मरणोपरांत उनसे हम दिल से क्षमा याचना करें और जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगे और उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हुए आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प यदि हम लेते हैं, उस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रण लेते हैं, तभी ये दोष सच्चे मायने में हमें सदा के लिए दूर हो सकता है हमारे जीवन से और तब हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही सुंदरता से आपने इस पर रोशनी डाली, इसकी व्याख्या की, और मुझे पूरी आशा है कि जो पूरे विश्व में इस प्रोग्राम को लोग देख रहे हैं जी, उनको इससे लाभ मिलेगा और वो अज्ञानता से निकल के ज्ञान की ओर बढ़ते जाएंगे जी, और सचमुच जो रियल लाइफ जीने का एक ढंग है जी, वो जिएंगे। तो बहन जी के साथ में बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज, हमने जो कार्यक्रम किया श्राद्ध, श्राद्ध आज से शुरू हो गए हैं, पितृपक्ष का ये 15 दिन जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, 15 दिन तक श्राद्ध रहते हैं, इस पर हमने आज पूरे विस्तार से चर्चा की। तो श्राद्ध आप ज़रूर मनाइए, श्राद्ध के ये 15 दिन आपके पितृ जितने भी चले गए हैं उनकी आप सेवा कीजिए, बिल्कुल जो कर्मकांड में जैसे ही लिखा है वैसे पूरा कीजिए। धर्म के अनुसार चलने से आदमी को शांति प्राप्त होती है और ज्ञान भी प्राप्त होता है, और जो अभी जीवित है उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ स्नेह और प्रेम के साथ रहिए, ये भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। और इन दिनों में भगवद गीता की जो दूसरी अध्याय है वो ज़रूर पढ़िए आप, वो 72 श्लोक काज हैं, उन 72 श्लोकों को आप ज़रूर पढ़िए, वो आत्मा से संबंध में है पूरे। आत्मा क्या है, कैसे हम शरीर छोड़ते हैं, कैसे आत्मा एक वस्त्र चेंज करके दूसरे शरीर में चली जाती है, वो पूरा विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। जब अर्जुन बहुत निराश हो गए थे और ये कहा था कि मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ, ये सब शरीर है, मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मेरे चाचा है, मेरे ताया है, और रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे निराश होके, तब जाकर दूसरी अध्याय पूरी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी, कही थी, और उससे अर्जुन वापस तैयार हो गए थे युद्ध करने के लिए। तो बहुत ही सुंदरता से आज बहन जी ने आपके सामने मैं पूरे कार्यक्रम को रखा। हम CMH ग्लोबल की तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं,
और नमन भी करना चाहते हैं, और इसी आशा से कि आप लगातार हमारे साथ में ऐसे मुद्दों पर जुड़ते जाइए, हमारे साथ में आप इन पर चर्चा कीजिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं भारत में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू में ये कार्यक्रम देखते हैं उनको इसका लाभ मिले, इसके लिए आपको एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी मेरा हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।